अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास में जावेद सर। हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास के लिए। लास्ट पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या था, गैस लॉज। ठीक, हमने इस गैस लॉज के बारे में क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इट गिव्स अस रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप, किसके दरमियान, बिटवीन द प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने बोला था, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास और अमाउंट ऑफ गैस हमने बोला था। इनके दरमियान ये क्या करता है, रिलेशनशिप देता है हमें। ठीक, ये तो ऑलमोस्ट मैंने बोला था कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, इन एवरी केस। अब क्या बचा यहां पे, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक, देख लीजिए, जैसे ही जब हमने बायोलॉजी पढ़ा था उस वक्त रिलेशनशिप किस किस के दरमियान थे, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान, लेकिन कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर को क्या करना था, कॉन्स्टेंट करना था उस वक्त। ठीक, क्योंकि जब टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो तभी हम इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है देख सकते हैं, और हमने देख भी ली किसमें, बॉयल्स लॉ। ठीक, देख लीजिए आज क्या करना है हमें, आज हमें ये जो चार्ल्स साइंटिस्ट है इसने रिलेशनशिप दे दी किस किस के दरमियान, टेम्परेचर के दरमियान, एंड नंबर सेकंड किसके दरमियान, वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान इसने हमें रिलेशनशिप दे दी। देख लीजिए क्या, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब क्या बचा यहां पे, प्रेशर, दैट मींस प्रेशर इज टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट। क्या करना है प्रेशर को, इस वक्त प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है। क्या रखना है, कॉन्स्टेंट। दिस लॉ वॉज फर्दर एक्सटेंडेड बाय दूसरा एक साइंटिस्ट है जिसने इस लॉ को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया था, गेलुसैक इन 1802। वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे इसकी क्या स्टेटमेंट, इसका क्या स्टेटमेंट था। ठीक है, पहले गैस लॉज क्या करता है, रिलेशनशिप प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के दरमियान, लेकिन क्या करना है, बॉयलर्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान हमने क्या किया, रिलेशनशिप। आज हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ थ्रू, लेकिन प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हमें कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो चार्ल्स लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, और वही हम फिर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, देख लीजिए कॉन्स्टेंट क्या है, प्रेशर, हम यहां पर लिखेंगे प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। किसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फिर क्या लिखेंगे साथ साथ, द वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर को क्या करना है, जो जैसे पहले ही मैंने बोला है कि प्रेशर को हमें कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस बाय, कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0°C। जितना वॉल्यूम इस गैस का 0°C पे होता है उससे कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है, 1/273 फॉर एवरी 1 degree राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 degree राइज इन टेम्परेचर। देख लीजिए इसका मतलब है क्या, ये क्या बोल रहा है, ये चार्ल्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है। जब आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखोगे उस वक्त क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो है इस गैस का, ये वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, कितना, 1/273। किस वक्त, जब आप टेम्परेचर को एक एक डिग्री क्या कर रहे हो, राइज कर रहे हो, या टेम्परेचर को एक एक डिग्री क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिक्रीज। क्या बन गया हमारा, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1
जितना वॉल्यूम इसका जीरो डिग्री पे है उससे इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज बाय वन डिग्री राइज आर डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, देख लीजिए, मैंने यहां पे एक सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? एक सिलेंडर ले लिया मैंने। इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पिस्टन रख लिया, देख लीजिए, एंड इस कंटेनर में मैंने कोई गैस इनक्लोज किया। क्या किया मैंने? गैस किया इनक्लोज। ठीक, टेम्परेचर कितना है इसका? जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, क्योंकि हमें देखना है कि इसका वॉल्यूम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है। ठीक, अब बोल दिया मुझे इस वक्त इसका वॉल्यूम कितना होगा, वी जीरो या वी नॉट बोल सकते हो, दैट मीन्स वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना है? कॉन्स्टेंट कितना? वन एटमॉस्फियर। ठीक, ये एक कंटेनर है यहां पे जिसमें मैंने गैस ले लिया। टेम्परेचर कितना था? जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज वी नॉट, दैट मीन्स वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है, वन एटमॉस्फियर। अब देख लीजिए, मैंने इसी कंटेनर को क्या किया, गैस ऐसे ही इसमें है, देख लीजिए, प्रेशर को क्या रखना है, कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वन एटमॉस्फियर। ठीक, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, वन डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स आई हैव चेंज्ड द टेम्परेचर, कहां से कहां तक, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से वन डिग्री, दैट मीन्स मैंने क्या किया यहां पे, राइज। क्या किया मैंने यहां पे, राइज। अब इस वक्त जो इसका वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम उसको मैं डिनोट करूंगा वी टी, दैट मीन्स एट वन डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे लिख लीजिए वन डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट विल बी इक्वल टू, एक तो इसका अपना वॉल्यूम कितना था, वी जीरो, प्लस इंक्रीज कितना हुआ, वन बाय 273 वी नॉट। दैट मीन्स जैसे ही आप एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे, इसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगर मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड अब टेम्परेचर रखूंगा, क्या रखूंगा, 2 डिग्री, दैट मींस अनदर कंटेनर मैंने लिया है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, वी टी 2 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, वी नॉट, एक तो ये फर्स्ट डिग्री के लिए, एक तो दूसरा दूसरी डिग्री राइज के लिए। ठीक है हाँ जी, ठीक है। ठीक, क्या बोला हमने पहले कंटेनर लिया था जीरो डिग्री टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम था वी नॉट, प्रेशर वन एटमॉस्फियर, यहां पे भी आपने प्रेशर वन एटमॉस्फियर लिया, लेकिन टेम्परेचर को आपने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जब आपने टेम्परेचर को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक, अब अगर आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, ये टर्म तो आपको कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 2 बार लिखनी पड़ेगी। अब मुझे बोलिए, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, ज्वाइन, ये ऐसे बन सकता है वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस 2/273 वी जीरो बन जाएगा, यस ये बन जाएगा। दैट मीन्स जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो वो टेम्परेचर आपको यहां लिखना पड़ेगा, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो टी, इस तरह लिखेंगे, वी जीरो बाय 273 इंटू टी। व्हाट इज दिस टी, दिस इज द टेम्परेचर, मगर कहां पे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड्स, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वो आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री के लिए ये इक्वेशन, 2 डिग्री के लिए 2, 3 डिग्री इंक्रीज करोगे और एक ऐड हो जाएगा, 4 डिग्री और एक ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली क्या लिखा, टी लिखा मैंने यहां पे डायरेक्टली। ठीक, यहां पे फिर आप पहुंच जाते हैं हम, देख लीजिए, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ये मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स की, क्या हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स की मोमेंट इंक्रीज, जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स की मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी,
ये बहुत जोर से वॉल्स पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करेगा, दैट मींस इट्स प्रेशर विल गेट इंक्रीज। मगर चार्ल्स लॉ की क्या कंडीशन है, आपको प्रेशर को इंक्रीज करने नहीं देना है, इसको क्या रखना है, कॉन्स्टेंट। बॉयलर्स लॉ में क्या इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको जब आपने कॉन्स्टेंट रखा, आप विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर आप प्रेशर को इंक्रीज करने नहीं दे रहे हो, तो फिर कौन सी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, इट विल बी वॉल्यूम, दैट इज वाई वॉल्यूम इंक्रीजेस हियर, दैट इज वाई वॉल्यूम इंक्रीजेस हियर। ठीक है, एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन यहां पे देख लेते हैं, डिक्रीज कर लेंगे हम टेम्परेचर, ठीक, यही कंटेनर ले लेंगे हम, ठीक, ये देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट सेकंड कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर यहां पे है एट 0 degree centigrade, इट इज टेम्परेचर 0 degree centigrade, वी जीरो वॉल्यूम, प्रेशर इज दिस। अगर आप यहां पे टेम्परेचर -1 degree centigrade करते हो, प्रेशर को क्या करना है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक। इस वक्त क्या हो जाएगा, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, कॉमन सेंस, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बी वी जीरो -1/273 ऑफ वी जीरो, ठीक है। अगर आप 5 degree centigrade कम कर रहे हो, दैट विल बी वी टी वी जीरो माइनस वी जीरो डिवाइड बाई 273 × 5, जैसे यहां पे टी है, यहां पे भी टी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहां पे टी, ठीक, दिस इज द इक्वेशन, ठीक। अगर आप जनरल इक्वेशन लिखोगे वो क्या बन जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो एट राइज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, इट विल बी वी जीरो डिवाइड बाई 273 × t, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ व्हाट, चार्ल्स, ठीक है। एक कंडीशन या ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, एक जनरल कंक्लूजन हम निकालने की कोशिश करेंगे यहां पे। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो मैंने डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, -273 मैंने टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज। जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट -273/273 V0, क्या हो जाएगा, कट, V0 भी क्या हो जाएगा, कट, वॉल्यूम क्या निकल गया आपका, जीरो, क्या निकल गया, जीरो। क्या लिखेंगे हम इस जगह पे, हम लिखेंगे एट 273, दैट मींस -273 centigrade, द गैस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, इसी पे केल्विन स्केल बन गई हमारी, क्या, एट 273 centigrade द गैस डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट हैव वॉल्यूम, इट डज नॉट हैव वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इक्वेशन, एक पॉइंट यहां पे निकल के आ गया कि जैसे ही आप किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हो, कहां तक, -273 centigrade तक, उस जगह पे इस गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। आपको पता है जहां पे गैस होगा वहां पे वॉल्यूम होगा, जब गैस वॉल्यूम ही नहीं है, दैट मीन्स गैस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आपके कंटेनर में तो गैस ले लिया था, वो गैस गया कहां, परहैप्स दैट गैस हैज चेंज्ड, that gas has changed into liquid or into solid state, या तो ये चेंज हो गए, यहां पर तो होगा जो हमने लिया था material, वो होगा वहां पर, but that will not be in the gaseous phase, that will be either in the liquid phase or that will be either in the solid phase, solid phase, ठीक है। अब हम और एक point equation को भी याद रखिएगा, इस पर हमें और भी काम करना है, अभी देख लीजिए, गैस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 273 सेंटीग्रेड पे गैस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इवन हाँ ये बोला जा रहा है, नो गैस हैज रीचेड टू द टेम्परेचर ऑफ -273 centigrade, कोई गैस ही नहीं है जो -273 तक पहुंच सके, उससे पहले ही वो या तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है या किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट में।
चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, अगर आप एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 1/273 ऑफ वॉल्यूम विल बी गेट इंक्रीज्ड, अगर डिक्रीज करोगे 1/273 ऑफ वॉल्यूम विल गेट डिक्रीज्ड। ये तो हाँ, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोई गैस ही नहीं है जो -273 तक पहुंच पाए, तब तक तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया होगा। ठीक, एक ग्राफ बना लेते हैं, यहां पे देख लीजिए क्या ग्राफ, 400 300, यहां पे हम टेम्परेचर लेंगे, यहां पे हम वॉल्यूम लेंगे गैस का इन ml इन सेंटीग्रेड्स, टेम्परेचर 200 100 0 -200 -300। ठीक है, देख लीजिए आपने क्या देख लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज 273 हियर, यहां पे क्या गैस है, जीरो वॉल्यूम, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक, इसका मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, यहां पे इतना वॉल्यूम है, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, जब तक इसका वॉल्यूम जीरो हो जाए, कहां पे, 273 पे। ठीक है, अब मुझे बोलिए, हमने जो इक्वेशन, अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, किसका सेकंड स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ का, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लगेगा। ठीक, क्या इक्वेशन बना ली थी हमने, VT इज इक्वल टू V0 प्लस, राइज का देख लेते हैं, प्लस क्या प्लस लिखा था आपने, आपने लिखा था T डिवाइड बाय 273 इंटू V0, ये इक्वेशन हमारी बन गई थी। ठीक, चलो एक काम कर लीजिए, यहां पे आप कर लीजिए काम, ये जो VT है इसको V0 को कॉमन कर लीजिए, इसका क्या बन जाएगा, 1 प्लस T डिवाइड बाई 273। ठीक, ये T क्या है, इट इज द टेम्परेचर, किस में है ये टेम्परेचर, सेंटीग्रेड में। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या निकल के आ रहा है, ये 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273, हाँ क्या आ गया, 273 प्लस टी डिवाइड बाई 273। ठीक, अब आप यहां पे देख लीजिए, फिलहाल हम एक एग्जांपल लेके जो हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे, हमने क्या बोला था कि 273 सेंटीग्रेड जो है, यहां पे गैस क्या है, गैस यहां पे मौजूद नहीं है, इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला था, इट इज एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट जीरो, दैट मीन जीरो केल्विन। ठीक है, जीरो केल्विन, आपको यह भी पता है, जब आपको सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जब आपको केल्विन चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में आपको इसको क्या प्लस करना है, 273, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, किस में है ये टेम्परेचर, केल्विन स्केल में, एंड दिस इज द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल, ये तो कांस्टेंट है। अब देख लीजिए यहां पे क्या बन जाता है, यहां पे भी है 273 प्लस टी, यहां पे भी है 273 प्लस टी, हम इस तरह लिख सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, इसके बदले कैपिटल टी, दैट मींस इट्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इन द केल्विन स्केल, डिवाइड बाय 273। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे ये वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो चेंज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, या तो ये इंक्रीज, सॉरी टेम्परेचर, या तो ये इंक्रीज हो रहा है, या तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपने जीरो डिग्री पे लिया था, एंड दिस इज द आल्सो कांस्टेंट इन एवरी इक्वेशन यू विल फाइंड इट चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब आप क्या चेंज कर रहे हो, एक तो ये चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, हां, या इस तरह नहीं लिख सकते हो क्या, इसको खत्म कीजिए, KT लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं VT डिवाइड बाई
टी, इस टी को खत्म कीजिए, वी बाई टी इज इक्वल टू व्हाट, के, वी बाई टी इज इक्वल टू के। यहां पे क्या निकल के आ गया आपका, इट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सेकंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगा यहां पे, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग क्या, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जब आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखोगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, केल्विन टेम्परेचर, या लिखोगे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट बन गई हमारी कि जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जो हमने देख ही लिया। आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इसी को हमने यहां पे सेकंड स्टेटमेंट बनाया, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर। ठीक, यहां पे एक और इक्वेशन बना लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत लगेगी। क्या लिखा हमने, वी टी इज इक्वल टू के टी। ठीक, दूसरी बात, इस टी को यहां लाया, ये बन गया वी बाई टी इज इक्वल टू के। जैसे हमने लिखा था बॉयलर्स लॉ में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां पे क्या बन गई थी दूसरी इक्वेशन, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। यहां पे भी तो बन सकता है वी वन डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई टी टू, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, जो कहां पे आपको जरूरत लगेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत लगेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ के दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या था कि जब आप टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, एंड डिक्रीज करोगे तो 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या निकल गया हमारा, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। व्हाट इज दिस केल्विन टेम्परेचर, इट इज सेंटीग्रेड प्लस 273 प्लस 273। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं यहां पे। ग्राफ देख लीजिए यहां पे, ग्राफ किस किस के, एक ग्राफ को हमने देख ही लिया, किस किस के दरमियान, वी टी बाई वी या वी बाई टी। ठीक, क्या कर रहे हो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ये इक्वेशन देख लीजिए, दैट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक बात यहां पे, इस लाइन पे, इस करो पे एक चीज कॉन्स्टेंट है, बोलिए क्या कॉन्स्टेंट है यहां पे, यहां पे क्या कॉन्स्टेंट है हमारा, हमने जब लास्ट स्टार्ट किया था एक कंडीशन हमने रखी थी कि हमने प्रेशर को क्या किया है, प्रेशर को हमने कॉन्स्टेंट रखा है। जब आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा, बॉयलर्स लॉ में आपने क्या किया था, बॉयलर्स लॉ में आपने टेम्परेचर को रखा था क्या, कॉन्स्टेंट। उस ग्राफ का नाम आपने बोला था आइसोसेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, उस ग्राफ का नाम आपने आइसोथर्म रखा था कि आपका टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहां पे क्या कॉन्स्टेंट है, यहां पे कॉन्स्टेंट है प्रेशर, आप इसका नाम रख सकते हो आइसोबार। दिस ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट, दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने अब तक, चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं हम, इसका एक्सटेंशन जो है हैमिल्टन्स लॉ वो हम दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। हमने बोला कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द गैस वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बाय 1/273, लेकिन प्रेशर को क्या करना है, कॉन्स्टेंट। दूसरा क्या हमारा निकल गया, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी होगा इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी होगा डिक्रीज। ग्राफ टी एंड वी या वी एंड टी के दरमियान, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए आइसोबार। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ये चार्ल्स लॉ के बारे में था, इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा, जिसको नहीं आएगा मेरे ग्रुप पे डालिए, मैं करके दूंगा। थैंक यू।